इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, माइशा, पता ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रुपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन, E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। सकती है और जीवन शैली आपकी श्रेष्ठता घटा सकती है। अमूल्य जीवन हमें मिला है, जीवन के रहस्य को जीवन शांति के लिए मिला है, जीवन प्रसन्नता के लिए मिला है, जीवन आनंद के लिए मिला है, जीवन तनावों के शिकार के लिए। तो भैया, इस जीवन का उपयोग झगड़े में नहीं, विषमवाद में नहीं, संवाद करो। आज हमारे जीवन में संवाद नहीं रहा, पिता पुत्र में संवाद नहीं, माँ बेटी में संवाद नहीं, पति पत्नी में संवाद नहीं, अड़ोसी पड़ोसी में संवाद नहीं। जहां देखो वही विषमता, विषमवाद की स्थिति। ये विषमवाद व्यक्ति की बहुत बड़ी कमजोरी है। सम्यक दृष्टि का जीवन संवादशील होता है, मिथ्या दृष्टि का जीवन विषमवादी होता है। बात बात पे छोटी छोटी बातों को लेके झगड़ा करते हैं, और छोटा सा झगड़ा किस तरह से बृहद रूप ले लेता है। तो भैया, हमें यह जीवन मिला है, इस जीवन का उपयोग सत्कार्यों में करें, अन्यथा जो दशाएं जीवन की हैं उन सबको आप अच्छी तरह जानते हैं। सम्यक दृष्टि जो होता है, धर्मात्मा होता है, वह परिश्रमी होता है, विकास करता है, पुरुषार्थ करता है, वह भाग्य भरोसे नहीं बैठता है। बंधु, एक फ्रांस की बहुत बड़ी गायिका थी, और वह गायिका मेलिथन के नाम से उसकी प्रसिद्धि थी, बहुत सुंदर और बहुत पॉपुलर थी। एक पियरे नाम का फटा पुराने कपड़े वाला एक युवक उसके पास गया और कहा, मैं बहुत परेशान हूं, मेरी माँ बहुत बीमार है। वह प्रसिद्ध फ्रांस की गायिका दयालु थी, उसे अहंकार नहीं था, मैं बहुत बड़ी गायिका हूं। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति कभी सेवा के कार्य नहीं कर सकता है। अहंकारी के जीवन में दया नहीं मिलेगी आपको, करुणा नहीं मिलेगी, अहिंसा नहीं मिलेगी अहंकारी के जीवन। नम्र जो व्यक्ति होंगे उनके जीवन में करुणा, दया, सद्भावनाएं आपको मिलेगी। शरद पूर्णिमा पर्व कल आपके बीच में आ रहा है, क्वार का महीना हमारे बीच से रवाना होने वाला है, और दिवाली की हम तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग घरों की सफाई कर रहे हैं, दुकान की सफाई करेंगे, बाहर की तो हम सफाई करते हैं, किंतु अपने अंतरंग में बैठा हुआ देश प्रसोद की भावना, अनंतानुबंधी कषाय का जो दीप जल रहा है, दीपावली पर्व हम सबके बीच में खुशियां लेके आएगा। और वह शांति का दिया, प्रसन्नता का दिया, आनंद का दिया जिन्होंने जीवन में जलाया है, उन्हीं का वास्तव में जीवन। जब गायिका को मालूम पड़ा, उन्होंने कहा, बेटा घबराओ मत, तुम्हें क्या सहयोग चाहिए? तुम्हारी माँ के लिए जो भी सहयोग चाहिए मैं देने तैयार हूँ। युवा ने कहा, मैं एक पैसा आपका नहीं,
बेटा जब तुम्हें पैसा नहीं लेना मेरे पास आए क्यों? वह कहता है मैं फ्री में नहीं लूंगा, मैंने एक बहुत अच्छी कविता बनाई है और मैं चाहता हूं कि मेरी कविता को आप मंच पर सुना दें। और उससे उसमें जो पुरस्कार मिले जो कुछ मैं उससे उपचार कराऊंगा, मैं आपकी एक छदाम फ्री में नहीं लूंगा। श्रम की कमाई महत्वपूर्ण होती है। आज की युवा पीढ़ी चाहती है माता पिता हमारे लिए कमा के रख जाएं, हम बिना परिश्रम के ही और उस पिताजी की प्रॉपर्टी को लेकर के कितनी कितनी अप्रिय घटना घट रही है। अगर बंटवारे में थोड़ा सा भी 19-20 कर दिया तो पिताजी को कोर्ट कचहरी आज की कपूत संतान खिला देती है। अरे जिन्होंने जीवन दिया है अगर कहीं 19-20 हो भी गया है, तुम्हें भगवान ने दो भुजाएं दी हैं, हाथ दिए हैं, कमाओ खाओ। जो अपने माता पिता की कमाई पर ही जीवन व्यतीत करना चाहता है वह भारतीय नागरिक नहीं कहला सकता। भारतीय नागरिक श्रम कीजिए, आप पसीना बहाओ और जीवन को उन्नतशील बनाओ। गायिका उसकी बात से बहुत पसंद है और उस कर्मठ सक्रिय युवा उसकी कविता जब एक मंच पर सुनाई तो बहुत सुंदर कविता थी। गला उसका गायिका थी, उसके उस कविता के बोलने से करुणा में वह कविता थी। लोगों ने बहुत पुरस्कार दिए, बहुत इनकम हुई। वह गायिका उस पीरे के घर पर जाती है और उसकी माँ का पूरा इलाज उसे जो जैसा था, जब तक वह स्वस्थ नहीं हुई तब तक गायिका उसकी परिचर्या करती रही। बंधु यह है सम्यक दृष्टि का जीवन, धर्मात्मा का। फ्री फोकट में वह कोई चीज पसंद नहीं करता है। हम पसीना बहाएंगे, मेहनत करेंगे और मेहनत की कमाई खाएंगे। आलसी प्रमादी जो होते हैं बिना कमाए, आज जो MCX, आज जो शेयर मार्केट, आज जो क्रिकेट के खेलों में पता नहीं कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं जुआ के चक्कर में। आज जुआ के रूप बदलते जा रहे हैं और किस तरह से आज की युवा पीढ़ी मेहनत नहीं करना चाहती है। और मेरे पास तो एक से एक सीरियस केस आते हैं, कर्जा चुकाना चाहते हैं तो जुए के द्वारा शेयर मार्केट MCX और पता नहीं क्या क्या स्थिति बनती जा रही है। घर दुकान मकान सब बिकते जा रहे हैं फुटपाथ पे आकर के और जीवन में विपत्तियों को निमंत्रण दे रहे हैं। भैया पसीने की कमाई का अलग आनंद आता है और ये जुआ आदि 7 व्यसन हैं, इन 7 व्यसनों में जुआ बर्बादी कार्य बनता है। तो सम्यक दृष्टि जो होता है, धर्मात्मा जो होता है, वह श्रम पर विश्वास करता है, पुरुषार्थी होता है। और पुरुषार्थ से व्यक्ति जीवन में क्या प्राप्त नहीं कर सकता है। तो सम्यक दर्शन, कषायों की मंदता, प्रसम गुण, संसार के दुखों से
भयभीत होना, जब तक संसार के दुखों से डर पैदा नहीं होगा धर्म में आपकी रुचि नहीं बनेगी, परमात्मा में आपकी आस्था नहीं बनेगी। कैसा है संसार जिसकी नहीं सुनो बढ़िया है, घर घर में माटी के चूल्हे। एक कहावत आप सबने सुनी होगी, हर व्यक्ति संसार में दुखी है, परेशान है, इसलिए हमें यह नर जीवन मिला है तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, अपनी आस्था बनाएं। ये नाना प्रकार के उस अज्ञान के प्रभाव में आकर के व्यक्ति किस तरह से दुखी अशांत है, तो अमूल्य जीवन मिला है, सम्यक दृष्टि बने। चतुर्दशी यह पावन पर्व हम सबको सिखाता है, इन पर्वों में कुछ नियम संयम आदि के द्वारा विकास करें। परसों 2 अक्टूबर का मेला आपने देखा किस तरह से जन सैलाब। बहुत लोग मुझे कह रहे थे, महाराज पहली बार बहेलना में इतनी, बहुत दिनों के बाद ये हमने भीड़ और इतना जन सैलाब देखा है। श्री जी की रथ यात्रा यह वार्षिक महोत्सव आज भी लगता है, लोगों के अंदर धर्म के प्रति श्रद्धा आस्था है, और ये हमारे रथ यात्रा जैसे कार्यक्रम, अन्य धार्मिक जो हमारे यहाँ वार्षिक श्री जी का अभिषेक कहीं होता है, तो और भी ये जो प्रसंग हैं ये हमारे जीवन में एक ताजगी लाने के लिए माध्यम कार्ड बनते हैं। निश्चित हम अपनी धार्मिक श्रद्धा आस्था बनाते हुए सम्यक दृष्टि बनके और अपने जीवन का विकास करें, उन्नति करें। अहिंसा विश्व धर्म। विगत दिनों से हम लोग इस रेण सार ग्रंथ के माध्यम से जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, हम सबका लक्ष्य है सुख और शांति, सदगस्त अहिंसा का पुजारी भारतीय नागरिक, ये निंद प्रभु में आस्था रखता हुआ, परमात्मा में आस्था रखता हुआ जीवन का बहुआयामी विकास करता है। इस रेण सार ग्रंथ के माध्यम से हम सब धर्मात्मा का जीवन कैसा होता है, अधर्मात्मा का जीवन कैसे होता है। और मैं प्रायकर अक्सर कहता हूं, धर्म का संबंध जहां परमार्थ स्वर्ग और मोक्ष से है, वहीं धर्म का संबंध हमारी पारिवारिक शांति से, हमारी तन की स्वस्थता से, हमारी की मन की स्वस्थता से गहरा संबंध। यह बात अलग है, हम उससे प्रस्तुत उस रूप से नहीं कर पाते, हम केवल धर्म का संबंध पुण्य और स्वर्ग मोक्ष से समझते हैं, संबर और निजरा से समझते हैं, जबकि धर्म का संबंध हमारी प्रेजेंट वर्तमान जीवन से भी है। उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए धर्म की हानि के कारण सम्यक दर्शन से विमुख क्यों व्यक्ति होता है उसकी बात बता रहे हैं। कुतव कुलिंग कुणाली कुवय कुशीले कुदंसन कुसत्थे कुणिमित संथु यथी पसंसन सम्हान हो निर्णयम। बंधु मिथ्या तप अध्यात्म से विमुख होकर
जो भी प्रवृत्ति की जाती है, जो भी शरीर को कष्ट दिया जाता है, वह खोटा तप कहलाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में सम्यक तप को स्थान दिया। मात्र शरीर को कष्ट देना, यही तप का उद्देश्य नहीं है। सम्यक तप उस शरीर के कष्ट देने के साथ साथ कषायों का निग्रह, पापों से जो हमें ऊपर उठाए, वह समीचीन तप है। तो खोटा जो तप है, कर करे देह में निज पिछान, तो शरीर की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति मानना, शरीर के नाश को आत्मा का नाश मानना, यह ज्ञान की दशा है। ये हमें सम्यक दर्शन से उदासीन बनाता है। और कुलिंग बहुत तरह की वेश है। अपने आप को गॉड परमात्मा कहने वालों की बहुत संख्या है। परमात्मा कौन हो सकता है? संत महात्मा को लेके आज बहुत तरह के क्वेश्चन उठ रहे हैं। एक समीचीन लिंग होता है, जिन मुद्रा होती है, जिसमें संत बनने की साधना, जब समंत भद्र आचार्य दार्शनिक हुए हैं, उनसे पूछते हैं, तो उन्होंने बहुत छोटी सी कति है, रतनकंड श्राव का चार, विषयाशा विषाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निशिदिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव प्रिया, अबीर विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, माइशा, पता ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा, श्री रुपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन, E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश।